श्रेय जी, मैं आपका ध्यान थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा। 2 अप्रैल को एक घटना हुई थी जिसके अंदर बहुजन समाज के बहुत सारे युवा साथी जेलों में बंद हो गए थे, और वहीं से एक भीम आर्मी निकलकर आई थी जिसके संस्थापक और जिसका चेहरा था चंद्रशेखर जी। और चंद्रशेखर जी ने युवाओं को बहुत ज्यादा अपनी बातें कही कि हम हमारी जो पार्टी है, पार्टी नहीं है, वो एक संगठन है, और संगठन ये कभी इलेक्शन नहीं लड़ेगा। लेकिन अभी काफी देखने में आ रहा है कि वो इलेक्शन लड़ेंगे वहां से जहां से मोदी इलेक्शन लड़ेंगे या फिर स्मृति ईरानी इलेक्शन लड़ेगी। तो उनका क्या है, क्या सोच के चल रहे हैं, वो इलेक्शन लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, और लड़ते हैं तो बहुजन समाज के ऊपर, बसपा के ऊपर इसका कितना असर पड़ेगा वो भी बताएं। क्या चाहते हैं चंद्रशेखर रावण? देखिएगा, ये उनकी अपनी सोच है जी, लेकिन जैसे मैंने अभी बाबा साहब के विषय में कहा कि वो भविष्य के ज्ञाता थे जी, माने बहन जी भी उसी तरह की नेचर की हैं जी। उन्होंने तो बहुत पहले कह दिया था कि इनके पास कोई सोच नहीं जी, और प्रैक्टिकली हुआ भी है जी। इस देश में अकेली शख्सियत जी मानवर कांशीराम साहब रहे हैं कि उन्होंने समाज को तैयार किया जी। उन लोगों को तैयार किया जो सबसे डरते थे जी, और लोग डराते थे उनको जी। सबने नेगलेक्ट किया, सबके यहाँ दरी बिछाई, उनकी गुलामगिरी की, ऐसे लोगों को इकट्ठा किया तो डर की वजह से वो तो भाग जाते। लेकिन धन्य रहे मानवर कांशीराम साहब के उनके नेतृत्व में और आज की माननीय बहन जी के नेतृत्व में एक भी कोई दंगा पंगा नहीं हुआ है। साहब के जमाने में उन्होंने इकट्ठा किया है, खूब डेमोन्स्ट्रेशन किए हैं, चाहे बरेली में शराब भट्टी बंद करने का प्रोग्राम रहा हो, अन्य प्रोग्राम किए हैं साहब ने, रैलियां निकाली हैं, पद यात्राएं की हैं, लेकिन एक पर भी कोई झंझट नहीं हुआ। हाँ, एक जगह आईटीओ पर कुछ घटना घटी थी तो उसमें पुलिस वालों का ही दोष था, और उन्होंने बाद में स्वीकार कि हमारे ही लोगों ने पत्थरबाजी कर दी थी। तो इस तरह करके वहां से, और एक बार जो कुछ लोग, अब देखिएगा बहुत बड़ा समाज है, कहीं कहीं कोई आदमी नहीं समझ पाता है, अज्ञान होता है तो वो कुछ इस तरह के कदम उठा देता है। तो वहाँ बॉम्बे पर जब प्रोग्राम हुआ और वहाँ से वापसी में ट्रेन में कुछ कहा सुनी हुई थी, नहीं तो साहब के जमाने में एक भी कोई दंगा पंगा नहीं हुआ। और आज की माननीय बहन जी के टाइम में भी जब शासन में थे, क्या अयोध्या के मसले में फैसला नहीं आया हाईकोर्ट का, तो लोग घबराते थे क्या होगा क्या होगा, लेकिन करके दिखाए एक भी जगह, लेकिन एक भी दंगा पंगा नहीं हुआ। तो इसलिए देश में अगर दंगे पंगे से निजात पानी है तो फिर बहन जी को याद कर लेना चाहिए देश को। और जहां तक इनका बात है जी, भीम आर्मी वालों का, इनके पास अपना कोई सोच नहीं है, ये किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं जी। क्यों? उसका स्पष्ट उदाहरण है कि भाई कांशीराम साहब का कहना रहा है कि कार्यकर्ता ही यदि झगड़ा पालेगा तो समाज का काम कौन करेगा। तो जब तुम्हारे पास ताकत नहीं है, वो लोग सत्ता में हैं, तो तुम समाज को क्यों भिला रहे हो जी? क्यों दुश्मन के हाथ में सौंप रहे हो जी? जबकि दुश्मन से तो बचाव करना चाहिए जी, जैसे मानवर कांशीराम साहब ने किया है, आज माननीय बहन जी कर रही उसी तरह की नेचर से काम जी। तो इन लोगों ने तो समाज को भिड़ा दिया उस दौरान भी। अब जब समाज भिड़ गया तो भाई जब भिड़ेगा, झगड़े फसाद में शामिल होगा जी, तो ये कहां लिखा है कि हम सबको पीटी आएंगे जी, खरोच तो हमारे भी आएगी जी। वही खरोच का परिणाम है कि हमारे हजारों कार्यकर्ता जी, इनके हजारों कार्यकर्ता जी, हमारे समाज के लोग जी, और जेलों में बंद हो गए जी। नवीवक नहीं तो उनकी ऊर्जा को इस्तेमाल किया जाता जी। तो ये दूसरों के इशारे पर चल रहे हैं। जब इन्होंने बार बार कहा कि मैं माननीय बहन जी के नेतृत्व में काम कर रहा हूं, मैं उनको प्रधानमंत्री देखना चाहता हूं, तो फिर क्या पागलपन शुरू हो गया है कि भाई हम चुनाव लड़ेंगे? क्यों लड़ोगे भाई, चुनाव लड़ो। लेकिन हाँ, इतनी फिर उनको मतलब नसीहत देना चाहता हूं कि भाई अरे इकट्ठ में आकर के चुनाव लड़ो। बहुजन समाज पार्टी आपका दल है, आपके समाज का राजनीतिक दल है, बहन जी आपकी परपक्ष के नेता हैं, उनका नेतृत्व सफल है, तो भाई उनको सपोर्ट करो। तुम क्यों अपने, क्योंकि इससे तो छिड़ता आएगी, ये उनको सोचना चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए। और एक ही चुनाव में तुम कहीं प्रधानमंत्री नहीं बन जाओगे,
जो एक ही बार में बहन जी को भी परास्त कर दोगे, मोदी जी को भी परास्त कर दोगे, सबको परास्त कर दोगे। अरे यदि मनवास से आपको लड़ाई लड़नी है तो इकट में आओ, माने बहन जी को मनाओ समझाओ, न माने बहन जी हम कोई खड़ा नहीं करेंगे और हम आपका समर्थन करेंगे, हम आपके लिए वोट मांगेंगे समाज में जाकर के। ये काम उनको करना चाहिए, अन्यथा तो फिर वो समाज के, बहुजन समाज के खिलाफ काम कर रहे हैं, बाबा साहेब की थ्योरी के खिलाफ काम कर रहे हैं, मानवर कांशीराम साहब के नेतृत्व के खिलाफ काम कर रहे हैं, बहन जी के मार्गदर्शन के खिलाफ काम कर रहे हैं। और कल को फिर आने का प्रयास करेंगे पार्टी में, तो मेरा तो माने बहन जी से भी निवेदन है हाथ जोड़ करके कि उनको भी ऐसे आदमी को माफ नहीं करना चाहिए।